दोस्तों, आज हम यूनिवर्सल गेट के बारे में बात करेंगे। नैंड गेट और नॉर गेट दो ऐसे गेट हैं जिनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इन गेट की मदद से आप किसी भी गेट के लॉजिक को डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हो। तो आइए देखते हैं। नेंड गेट जो होता है, ये हमारे एंड गेट का सिंबल है दोस्तों। अगर इसके आगे सर्कल रख देंगे तो इसका मतलब एंड गेट को हमने नॉट किया। एंड गेट के बाद में हमने क्या लगाया दोस्तों? नॉट लगा दिया। तो ये हो गया दोस्तों नेंड गेट। इसका मतलब एंड गेट के आउटपुट को अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हमको नेंड गेट मिलेगा। और इसका लॉजिक है, एंड गेट से उलट जाएगा। अगर आपको याद हो तो एंड गेट में अगर दोनों इनपुट वन है तभी आउटपुट वन रहेगा, यहाँ रिवर्स हो जाएगा। अगर दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो, अदरवाइज वन। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे एंड गेट के लॉजिक को रिवर्स कर दिया। इसी प्रकार नॉर गेट है, तो ये नॉर गेट है। आप देखिए, और गेट को आगे नॉट बना दिया है, और प्लस नॉट इज इक्वल टू नॉर। तो और गेट में दोस्तों क्या होता था, अगर किसी भी एक इनपुट पे वन अवेलेबल है, अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई रहेगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट तभी हाई मिलेगा कि दोनों इनपुट जीरो है। तो ये दोस्तों दोनों गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों गेट का महत्व ये है कि आप ये गेट से किसी भी गेट को डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हो। तो आइए देखते हैं, पहले नैंड गेट को देखेंगे, फिर हम इसी प्रकार नॉर गेट को देखेंगे। नैंड इज नॉट, तो दोस्तों नॉट गेट का लॉजिक क्या है कि अगर आउट इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन होना चाहिए। तो उसका लॉजिक होना चाहिए जीरो के लिए आउटपुट वन और वन के लिए आउटपुट जीरो। तो मैंने दोनों इनपुट को शॉर्ट करके वन इनपुट रख दिया। अभी देखिए यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे आउटपुट आपको वन मिलेगा, और वन है तो जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड प्लस नॉट है, लेकिन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया। एक जीरो है तो दोनों जीरो हो गए, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो जीरो के लिए वन और वन के लिए जीरो। अभी नैंड गेट को एंड गेट की तरह से बताया जाएगा। इसका मतलब नैंड गेट का लॉजिक हमको पता है कि अगर दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो, और एंड गेट का लॉजिक है उससे बिल्कुल रिवर्स। आप देखिए यहाँ पे जीरो जीरो पे वन है, यहाँ पे जीरो मिल रहा है, वन जीरो वन जीरो और जीरो पे वन। इसका मतलब अगर नैंड गेट को मैं नॉट लगा दूं तो मुझे एंड गेट मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली नैंड गेट क्या है, एंड गेट को नॉट लगा के नैंड बनाया है। तो नैंड प्लस नॉट इज इक्वल टू एंड, ऐसा हम कह सकते हैं। तो नैंड गेट को आउटपुट, अगर जो भी आउटपुट नैंड गेट का रहेगा उसको नॉट में दिया जाएगा। नॉट कैसे बताते हैं? नैंड गेट की मदद से। यहाँ पे दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया तो ये नॉट हो गया, तो नैंड प्लस नॉट इज इक्वल टू एंड। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा बिल्कुल एंड गेट की तरह। अगर दोनों इनपुट वन है तभी आपको आउटपुट वन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इसको, आप देखिए वन बाय वन देखते हैं इसको। अगर देखिए दोनों जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा वन। देखिए ये दोनों जीरो है तो जीरो प्लस जीरो जीरो, और आपका आउटपुट होगा, देखिए ये आउटपुट वन है। मैं इसी का आउटपुट कह रहा हूँ, मैं मेन आउटपुट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ नेंड गेट का फर्स्ट फेज का आउटपुट। तो जीरो जीरो है तो इसका आउटपुट वन हो जाएगा, जीरो वन है तो भी वन हो जाएगा, अगर दोनों वन है तो जीरो हो जाएगा, और ये यहाँ पे जाएगा। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। देखिए अगर ये वन है तो नॉट गेट में जीरो हो गया, ये वन है तो नॉट गेट में जीरो हो गया, ये वन है तो जीरो हो गया। तो ये है जो हमारा यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो फर्स्ट फेज का आउटपुट है जो यहाँ पे है, और इसको नॉट गेट में देंगे तो आउटपुट रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दोनों आउटपुट सेम है, तो हमने नैंड गेट को एंड गेट की तरह से बता दिया, दोनों सेम आउटपुट लेके आए। इसका मतलब नैंड प्लस नॉट इज इक्वल टू एंड, ऐसा आप याद रखोगे तो चलेगा। अभी इसको और गेट की तरह से बताते हैं। ये हमारा नैंड गेट का लॉजिक है और ये हमारा और गेट का लॉजिक है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे समझना। तो इसके लिए आपको याद रखना है, टू नॉट प्लस वन एंड इज इक्वल टू और, टू नॉट प्लस वन नैंड इज इक्वल टू और।
तो देखिए दो नॉट गेट ले लिए मैंने, क्या किया दोनों इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया और उसको मैंने नैंड गेट में दे दिया, तो मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। इसको आगे ट्रूथ टेबल की मदद से समझेंगे। टू नॉट प्लस वन नैंड इज इक्वल टू और। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको समझेंगे, अभी ए बार बी बार होगा, यहाँ से ए आएगा तो ए बार हो जाएगा, बी होगा तो बी बार, इसे इसका मतलब सारे इनपुट रिवर्स हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। देखिए 2 बार 0 है तो 2 बार 1, 1 1 है तो 0 0, तो 0 है तो 1 0 1 0 1, तो यहाँ पे 1 0 1 0। अभी इसको हम आगे अगर नैंड में आउटपुट देते हैं, इनपुट देंगे, ये दोनों अगर नैंड में जाएंगे तो हमको इस प्रकार आउटपुट मिलेगा। 1 1 का आउटपुट हो जाएगा 0, 1 0 का 1, 0 1 का 1 और 0 0 का 1। तो देखिए यहाँ पे 0 1 1 1 और 0 1 1 1, इसका मतलब आप नैंड गेट का कॉम्बिनेशन आपने कैसे किया, दो नॉट गेट लिए और एक नैंड गेट लिया, तो आउटपुट आपको सेम और गेट की तरह मिल रहा है। दोनों इनपुट पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो आउटपुट चेंज हो गया। दोनों इनपुट पे कॉम्प्लीमेंट लगा के नैंड में इनपुट दे दिया तो मुझे मिलेगा। अभी नॉर गेट देखते हैं, जिस दूसरा यूनिवर्सल गेट हमको पता है नॉर गेट है, ये नैंड गेट का लॉजिक है, ये नॉर गेट का लॉजिक है। यहाँ पे देखिए 1 1 1 0 है, 1 0 0 है, तो आपको ये याद रखना है। टू नॉट प्लस वन नैंड प्लस वन नॉट इज इक्वल टू नॉर। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको इसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे। नैंड को अगर नॉर की तरह से बताना है तो दो नॉट गेट, एक नैंड गेट और एक नॉट गेट। कैसा है दोस्तों, जो आगे का गेट था हमारा उसमें आगे एक सिर्फ आपको लगाना है, एक नॉट गेट लगाना है। जो आगे वाला आप देखोगे तो और गेट हमने बनाया था, ये देखिए और गेट का क्या था, दो नॉट गेट थे और आगे नैंड गेट थे। तो यहाँ पे दो, अगेन देखिए दो नॉट है, आगे आगे हमारा नैंड गेट है, तो इसको सिर्फ नॉट कर दिया। तो और के बदले नॉर बनाना है तो नॉट कर देना है, दैट्स इट, बहुत ही इजी है। तो ये देखिए दोस्तों ए बार बी बार हो जाएगा तो ये इनपुट रिवर्स हो गए और इसका और गेट आउटपुट, ये आउटपुट हमारा और गेट का रहेगा। कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। और अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो हमको सेम डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। देखिए ए बार डॉट बी बार का पूरा बार, ए बार डॉट बी बार, 0 का बार 1, 0 का बार 1 और 0 का बार 1 और 1 का बार 0। सिंपल है दोस्तों, बहुत ही इसको आप समझ पाओगे। तो दोस्तों हमने देखा नैंड गेट को कैसे यूनिवर्सल गेट की तरह बताया जाता है। अभी हम सेम चीज नॉर गेट के लिए देखेंगे। नॉर गेट को नॉट गेट बनाएंगे, तो नॉट गेट का हमको पता है 0 है तो 1, 1 है तो 0, तो सिंपल जैसे नैंड गेट में शॉर्ट किया था यहाँ भी शॉर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 0 के लिए 1 और 1 के लिए 0 मिल गया। तो नॉट गेट तो इसी है, आप दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दो तो आपका नॉट गेट बन जाता है। एंड गेट के लिए देखिए, ये हमारा एंड गेट का लॉजिक है, दोनों इनपुट 1 है तभी आउटपुट 1 है, और ये नॉर गेट का लॉजिक है। तो नॉर गेट का लॉजिक क्या है कि आपके अगर दोनों इनपुट 0 है तब भी आउटपुट 1 है। तो ये थोड़ा अलग से करेंगे, आपको याद रखना है दो नॉट गेट और 1 नॉर, तो एंड गेट हो जाएगा। वहां पे आप याद रखिए, वहां पे क्या था, वहां पे आप कंपेयर कीजिए तो आपको इजी रहेगा। तो आप ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे है टू नॉट प्लस वन नॉर, वो आपको याद करने है तो आपको इजी रहेगा। अभी इसको समझते हैं, दो नॉट है तो ये नॉट हो गया 2 और एक नॉर गेट हो गया, तो इसको हम कंपेयर करेंगे। 0 0 है तो देखिए ए बार बी बार क्या होगा, दो सारे इनपुट रिवर्स हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। 0 0 का 0 0 1 1 तो 1 1 0 0, 0 1 0 1 तो 1 0 1 1। और इसको आगे क्या कर रहे हैं, आगे आप इसको कर रहे हैं नॉर गेट में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है ए बार प्लस बी बार होल बार, ऐसा कहेंगे हम इसको। तो देखिए 1 1 है तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 1 होगा और 1 प्लस 1 का बार 0 हो जाएगा। तो सिर्फ 0 0 वाले केस में ही आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो देखिए ये तीनों आउटपुट 0 0 0 1 और 0 0 0 1 एंड गेट का आउटपुट दोनों सेम दिख रहे हैं, तो नॉर को हमने एंड की तरह से बताया। अभी नॉर को हम और की तरह से बताते हैं दोस्तों, ये नॉर का लॉजिक है, ये और का लॉजिक है, फर्क बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब इसको हम सिर्फ सिंपल नॉट गेट लगाएंगे, इसके बाद में तो हो जाएगा नॉर प्लस नॉट। तो नॉर गेट प्लस नॉट गेट इज इक्वल टू और गेट, इसको समझना बहुत ही इजी है दोस्तों, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको नॉर गेट का जो भी आउटपुट मिल रहा है उसको नॉट कर दीजिए तो आपको सिंपल आउटपुट मिल जाएगा। और नॉर गेट को नैंड गेट की मदद से, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है,
तो नॉर गेट का लॉजिक और नैंड गेट का लॉजिक ये थोड़ा सा अलग है, तो ये जो हमने नैंड को नॉर में किया था वही प्रोसेस करेंगे, टू नॉट प्लस वन नॉर प्लस वन नॉट। देखिए एंड गेट आपने कैसे बनाया था, टू नॉट प्लस वन नॉर से बनाया था, और उसको नॉट कर दे तो नैंड हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक आपका ऐसे रहेगा, हम समझते हैं इसके लॉजिक को। तो देखिए यहाँ पे ए और बी है, तो ए बार बी बार हो जाएगा, इसका मतलब दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, 0011 का 1100, 0101 का 1010। और अब अगर इसका आगे नॉर दिया जाएगा तो आउटपुट हो जाएगा 000 और 1, ठीक है। तो अभी इसको वापस नॉट करना है तो सारे आउटपुट कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, 0 के 1, 0 का 1 और 1 का 0। तो देखिए 1110, 1110। तो दोस्तों आप समराइज के लिए मैंने जो आगे शॉर्ट बनाए हैं, जैसे टू नॉट प्लस वन वन नॉर प्लस वन नॉट, तो आप इसे याद कीजिएगा तो आपको इजीली आ जाएगा। तो आई होप आपको पता चला होगा, सारे ड्रॉ करके ट्रूथ टेबल से प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।